गाइस, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले गाइस चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 यानी कि पॉलीमर केमिस्ट्री का क्लास ट्वेल्थ पॉलीमर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं और ये इसका पार्ट टू है। और गाइज ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 सबसे लास्ट पार्ट है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और या 15 चालू है। सो सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी कंप्लीटेड और हमारे चैनल में उसके नोट्स के साथ साथ सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। गाइज अच्छे से पढ़ाई करो और उन सारे नोट्स का इस्तेमाल करके तुम आराम से बोर्ड एग्जाम में 90+ अचीव कर सकते हो। जितने बार हो सके सारे वीडियोस को रिवाइज करो, खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन रीड करो और तुम बहुत आगे चले जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कितना आगे समझ जा चुके हो। तो गाइज अच्छे सारी चीजों को पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं आगे बढ़ोगे। सो आज ये अपना पॉलीमर का लास्ट पार्ट है और इसके पहले गाइस हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी जिसमें कि क्लासिफिकेशन था। मैंने बोला भी था कि इस पूरे अखे क्लासिफिकेशन से 3 मार्क्स आएगा और अगर आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होते और अगर किसी की यूनिट टेस्ट में या बोर्ड एग्जाम में कहीं भी ये चैप्टर है तो तुम खुद ही आजमा के देख लेना, यहां से 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा चाहे जो भी हो जाए। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, एकदम 100% यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो मैंने सारा ये क्लासिफिकेशन अच्छे से इसके पहले वाली वीडियो में प्रॉपर अच्छे से गाइस बताया है। वीडियो भले लंबी है लेकिन नॉलेज ज्यादा है, सो उसे आप हाफ हाफ करके देखो। आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट जब नॉलेज अवेलेबल है तो उसे आप सिर्फ इतना कह के नहीं नकार सकते हो कि यार मतलब वीडियो लंबी है तो मैं देखूंगा ही नहीं, तो यार मैं क्या कर सकता हूँ, मत देखो फिर कुछ नहीं, मैं इसका कुछ सॉल्यूशन दे नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि तुमको तुरंत फटाफट सारा नॉलेज मिल जाए, ठीक है। सो ये मेरा एक मतलब एम है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हमने सारा क्लासिफिकेशन देखा था कि पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ पॉलीमर, नेचर ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बायोडिग्रेडेबिलिटी, सब कुछ हमने अच्छे से देखा था, ईच एंड एवरीथिंग हमने देखा था। और गाइज आज मैं आपको बता दूं कि पूरा थियोरेटिकल सेशन है, पूरा थियोरेटिकल और नॉलेज बेस्ड है, बस आपको रिलेट करना है और जस्ट पॉइंट्स को रिमेंबर करना है बस, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने टाइप करके रखा है, ठीक है गाइस। देखो जैसे कि सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में आज हम थोड़ा देखते हैं, जैसे कि रबर हो गया। अब रबर हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो रबर एग्जैक्टली मतलब एग्जांपल के लिए बोलूं तो देखो आपने देखा रहेगा बलून, टायर्स, शू सोल्स एंड सर्जियंस ग्लोब्स, गार्डन होस एटसेट्रा, ये बहुत सारे रबर्स है। जितने भी रबर्स होते हैं इसके पहले की वीडियो में मैंने बता दिया कि वो इलास्टोमर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी रबर्स होते हैं सबके सब इलास्टोमर है जिसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेचुरल रबर भी होता है, ठीक है, और आर्टिफिशियल रबर भी होता है। तो जो नेचुरल रबर है गाइस तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये एक जस्ट किससे बनता है, आइसोप्रीन से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पॉलीमर होता है वो छोटे छोटे मोनोमर से बनता है, किससे बनता है, छोटे छोटे मोनोमर से, यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। तो रबर भी एक टाइप का पॉलीमर है। तो भाई ऐसा कौन सी चीज कंबाइन हुई जिससे कि अपना रबर बना, ऐसी कौन सी चीज कंबाइन हुई, तो वो कोई और नहीं आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ये होता है। अब आप बोलोगे सर ये स्ट्रक्चर आ गया तो याद तो करना पड़ेगा ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ आप बताओ जरा। ये स्ट्रक्चर अगर मैंने बोल दिया तो याद करना है ना, अब इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं और क्या कर सकता हूँ आपके सामने, बोलो। जस्ट मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप इसे याद कर लो, ठीक है। ये आइसोप्रीन है, अगर बहुत सारे आइसोप्रीन एक साथ आप कंबाइन करते हो तो आपको पॉलीमर मिलता है, मतलब पॉलीमर, और जो बड़ा सा पॉलीमर मिलेगा उसे आप रबर कहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आइसोप्रीन, एग्जाम में मोनोमर पूछेगा कि रबर जो पॉलीमर है इसका मोनोमर क्या है, तो आपको बताना है आइसोप्रीन है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो अभी हम गाइस इसी तरीके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ पे अभी एक तरीके का ये एक हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे देखो ये इस तरीके से इतना, तो ये आपका एक तरीके से हो गया, इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका एक आइसोप्रीन हो गया। और फिर दूसरा यहाँ पे देखो एक ऐसा डॉट डॉट ऐसा ये लाइन खींची हुई है, यहाँ पर भी खींची हुई है। इसका मतलब ये है कि ये चेन और आगे ऐसा कंटिन्यू होगी, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड और आगे जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये नेचुरल रबर है, मतलब जहां पे बहुत सारे आइसोप्रीन कंबाइन होकर ये स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है, मतलब कि देखो वही पॉलीमराइजेशन करना है किसका। अगर पॉलीमराइजेशन मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है। सो अगर आप बहुत सारे आइसोप्रीन को एक साथ कंबाइन करोगे, देखो एन नंबर ऑफ आइसोप्रीन आपके सामने दिया भी है। अब यहाँ पे एन का मतलब डर मत जाना, एन मतलब क्या, जिसे हम लिखते हैं 2 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स कोई मॉलिक्यूल, तो वैसे यहाँ पे एन टाइम्स क्योंकि हमको बहुत बड़ा रबर बनाना है, तो एन टाइम्स यहाँ पे कोई भी चीज है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, आइसोप्रीन हो गया जो कि एन टाइम्स हमने इस्तेमाल किया है, तो एन टाइम्स हमें रिजल्ट भी मिलेगा। तो पॉली, अब देखो आइसोप्रीन कंबाइन हो तो क्या बनाएगा, पॉली आइसोप्रीन जिसे हम रबर कहते हैं, पॉली मतलब मेनी और बहुत सारे आइसोप्रीन, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से यहाँ पे हो गया। चलो प्रॉपर्टीज जान लो नेचुरल रबर की, तो जो नेचुरल रबर होता है वो क्या होता है, पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन कैसे, जैसे कि मोनोमर
तो पॉलीमर, वैसे पॉली मीन्स मेनी और आइसोप्रीन मीन्स आइसोप्रीन जो स्ट्रक्चर है, तो भाई बहुत सारे ऐसे पॉली आइसोप्रीन, समझा। तो ये जस्ट एक अपना अल्कीन होता है, डबल बॉन्डेड होते हैं कार्बन कार्बन इसमें, और ये इसके अंदर जो मॉलिकुलर फोर्सेस होता है वो वीक वाला, यानी कि वैंडर वॉल्स फोर्सेस। आपको आपने पढ़ा था 11th में कि लंदन फोर्सेस, फिर ऐसी आपने सीखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल मोमेंट ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस के बारे में आपने देखा था। इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होता है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ पे गाइस वैंडर वॉल फोर्सेस से यहाँ पे बॉन्डेड होती है जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन सारे के सारे वैंडर वॉल फोर्सेस से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। और ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी का यहाँ पे तो आपको पता ही, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से रबर आप खींच सकते हो, उसे बड़ा कर सकते हो, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में आ सकता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो गाइस देखो, मान लो कोई रबर है, कोई रबर है और कोई रबर की क्वालिटी को आपको इंप्रूव करना है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मतलब जो रबर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना हो, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना हो, तो यही होता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। मतलब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है कि जस्ट हम लोग उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं, यानी कि जो नेचुरल रबर होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें हम क्या क्या इंप्रूव करते हैं, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, टफनेस, टेंसाइल। अगर मान लो कोई रबर पत्थर जैसे रहेगा तो टायर उससे बनेगा क्या, टायर तुरंत ही फूट जाएगा, मतलब आप उसे व्हीकल के फॉर्म में यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर वो इलास्टिक रहेगा, स्टिफनेस उसमें होगी यानी कि आप उसे प्रेस कर सकते हो, टफनेस भी उसके अंदर थोड़ी बहुत रहनी चाहिए, मतलब कि ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सिंपल एकदम, ना ज्यादा एकदम, मतलब इलास्टिक होना चाहिए यार, मतलब मूवेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और हार्ड भी रहना चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी उसकी क्वालिटी है, उसे इंप्रूव करना है तो आपको वल्कनाइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, और वल्कनाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से ही आप यहाँ पे किसी भी रबर की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। अब गाइस जो रबर होता है उसमें ज्यादातर सल्फर हम लोग मिक्स करते हैं, मतलब सल्फर जिसमें ज्यादा अच्छे से रहेगा वो रबर बहुत ही बेस्ट माना जाता है। जो टायर वगैरह, व्हीकल्स, ट्रक वगैरह के जो रबर देखते हो उसमें सल्फर वगैरह ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और सल्फर की वजह से ही किसी भी रबर का आप ज्यादा मतलब वल्कनाइजेशन कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा वल्कनाइजेशन प्रोसेस, जिसमें कि हम लोग रबर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ गाइस नेक्स्ट है पॉलीथीन के बारे में, एग्जैक्टली पॉलीथीन क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था कि जब मेनी इथीन एज अ मोनोमर, बहुत सारे इथीन जो कि मोनोमर के फॉर्म में काम करते हैं, कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, पॉली इथीन बनेगा, पॉली इथीन क्रिएट होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो बहुत सारे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है, तो अभी अभी क्या करना है अपने को, यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अपने को ना और भी बहुत सारी चीजें अटैच करनी है। मान लो ऐसा अटैच करना है, यहाँ पे CH2 डाल दो और यहाँ पे एक ऐसा और बॉन्ड खड़ा कर दो, और ये यहाँ पे जो एक बॉन्ड इसको ब्रेक कर दो, मतलब इस ऊपर वाले बॉन्ड को आप यहाँ पे हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड मैंने इधर ला दिया, समझा कि नहीं। और ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड से और भी सारे इथिन्स यहाँ पे आके अटैच हो सकते हैं, और भी इथिन्स यहाँ पे आके अटैच हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बॉन्ड लगा के एन टाइम्स कर दिया, मतलब कि इस साइड से भी और इस साइड से भी कितने भी इथिन आके अटैच हो सकते हैं। अब बहुत सारे अगर आ जाएंगे तो एक इथिन था तो जस्ट इथिन है, बहुत सारे इथिन आएंगे तो वो पॉलीथिन बन जाएगा, समझा। तो उसी को हम प्लास्टिक कहते हैं, जो कि साइंटिफिक नेम ही है पॉलीथिन, ठीक है। तो जस्ट आपको इसे याद रखना है, और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है थर्मोप्लास्टिक होती है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जिससे कि आप लोग अगर थर्मो मीन्स होता है थर्म मीन्स, मैंने बहुत बार बताया यार, केमिकल थर्मोडायनेमिक चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। सो थर्म मीन्स क्या होता है, थर्म मीन्स जस्ट हीट होती है, मतलब हीट या फिर आप एनर्जी कह सकते हो, ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। थर्म मीन्स हीट या फिर आप एनर्जी भी कह सकते हो, आपके ऊपर है। डायनेमिक्स मीन्स मोशन और मूवमेंट, एनर्जी का फ्लो जो होता है, हीट का फ्लो। तो ये सब मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है अच्छे से, एकदम बेसिक से विद नोट्स, जाओ और उन चैप्टर को वॉच कर लो पूरा। हमने फिजिक्स में भी चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर दिया है, और केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, मतलब फिजिक्स का भी थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री का भी थर्मोडायनेमिक्स, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीटेड है, जाओ और देखो अच्छे से, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखते हैं गाइस, अभी जो भी अपने पास पॉलीथीन है वो कैसा है, लो डेंसिटी मतलब पॉलीथीन होता है, LDPE। आज हम इसके बारे में बहुत ही डीप में पढ़ेंगे, LDPE और HDPE क्या होता है, बहुत आसान है, दो लाइन के आंसर यहाँ पे है, ठीक है। तो HDPE means high density polythene और low density means, मतलब LDPE means low density polythene। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि दोनों होते क्या है, मतलब types of polythene में, कि यहाँ पे मतलब दो टाइप है, कि low density and high density। देखो ध्यान से, हमने सॉलिड स्टेट में पैकेजिंग के बारे में सीखा है,
ठीक है, मतलब कि क्लोज्ड पैकेजिंग एंड सिंपल पैकेजिंग, ये सारी चीजें हमने अच्छे से सीखी है। ठीक है, जो पॉलीथीन के बारे में है इसमें हमने सीखा है, लो डेंसिटी पॉलीमर और हाई डेंसिटी पॉलीमर, इसमें दो टाइप होती है। तो गाइस डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि कितने अमाउंट ऑफ गिवन वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। मतलब देखो अगर इसका ये पूरा, मतलब देखो अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये कंटेनर आपके सामने और इस कंटेनर में कितनी स्पेस खाली है जिससे कि आप किसी मास को अंदर डाल सको, कितनी स्पेस खाली है, कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस आपके पास अवेलेबल है जिसको कि आप लोग इसके अंदर इस कंटेनर में पुट कर सको, कितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है वही आपकी मतलब यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, और उस वॉल्यूम में कितनी सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर कम चीजें अवेलेबल है तो उसकी डेंसिटी कम है। मतलब कि ज्यादा वॉल्यूम में अगर कम चीजें हैं, बहुत बड़ी जगह है और वहां पे चीजें कम है, तो मतलब डेंसिटी कम हो गई, और अगर ज्यादा वॉल्यूम है और ज्यादा लोग भी हैं तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो लो डेंसिटी पॉलीमर होता है ना, इसमें सपोज अगर कोई भी मतलब रबर ही है, तो रबर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कैसे होंगे, मतलब कि वो एकदम दूर दूर रहेंगे, समझ रहे हैं कैसा, एकदम दूर दूर रहेंगे और उनकी डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की बहुत कम होगी। बट इन द केस ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीमर इसमें क्या होगा, हाई डेंसिटी पॉलीमर के केस में यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे सबके सब ऐसे चिपके हुए रहेंगे और हाई डेंसिटी मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे रबर के, बहुत ज्यादा आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहने वाले, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, और इनमें मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। अब आपको समझ गया होगा बेसिकली मैं बोल क्या रहा था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख लेते गाइस कि लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी LDPE इसका जो भी रिएक्शन होता है, जैसे कि अगर मान लो पॉलीथीन आपके पास इथीन है, इथीन, और अगर आप उसको ना ऑक्सीजन के साथ या पेरोक्साइड के साथ 350 से 370 केल्विन टेम्परेचर में या फिर 1000 से लेकर 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप यहाँ पे पॉलीथीन मतलब जो इथीन है आपका उसका पॉलीमराइजेशन करते हो, पॉलीमराइजेशन मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, अगर आप ये करते हो तो आपको लो डेंसिटी पॉलीमर मिलता है, लो डेंसिटी इन द सेंस ऑफ कि आपका वही जो पॉलीथीन है। अब देखो जरा जो पॉलीथीन होता है कितना फ्लेक्सिबल होता है ना, क्योंकि उसके अंदर के जो इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटर मॉलिक्यूल स्पेस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और जो मतलब देखो इंटर मॉलिक्यूल स्पेस बोलने का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल फिर दूसरा मॉलिक्यूल इसके बीच का स्पेस ज्यादा है, इसका मतलब कि डेंसिटी बहुत कम है, समझा कि नहीं। तो ये ऐसा प्लास्टिक में होता है इसीलिए ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। और ये भी वही अपना एडिशन रिएक्शन जैसा है, एडिशन वाला जो अपना पॉलीमराइजेशन था इसमें भी हम वही फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं और ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। और जो भी चेन रहेगी वो लूजली हेल्ड होता है, वही जो मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा रहेगा, अट्रैक्शन बहुत कम रहेगा, तभी तो स्पेस ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही कम है। ठीक है, यानी कि ये लो डेंसिटी पॉलीमर है, डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो गाइस जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलडीपी क्या है। तो एलडीपी बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं बट थोड़ा बहुत टफ भी होते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब आप पॉलीथीन को देख सकते हो, पॉलीथीन डाइफा थोड़ी की टफ नहीं है, टफ है बट फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनमें से कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते हो। अब ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें कौन सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, ये इन्फॉर्मेशन से जस्ट जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन से, जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, इसको बताने लायक नहीं है, ये आप खुद ही समझ सकती हो। इतना ऐसे यूजेस में भी देख लो, यूजेस भी कोई आपको बताएगा क्या फायदा, तो आप इसको पाइप्स के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो, वाटर बॉटल्स के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इंसुलेशन केबल्स जो होती है इनके फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब एलडीपी जो मतलब फ्लेक्सिबल वायर्स होती है इनका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी HDPE, ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, LDPE के ऊपर भी 3 मार्क्स पूछा सकता है, यानी कि राइट द यूजेस ऑफ LDPE एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ LDPE, तो ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPE ये आपको बताता हूं, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो देखो गाइस ये जो आपका इथीन है यहाँ पे क्या करना है, 333 केल्विन टेम्परेचर और 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कैटलिस्ट के साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शन करवाना है। और यहाँ पे क्या हुआ था, 1000 से लेकर 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस्तेमाल हुआ था, और आप यहाँ पे टेम्परेचर भी देख सकते हो 350 से 370 है, बट यहाँ पे क्या 333 केल्विन से लेकर के और यहाँ पे 343 केल्विन टेम्परेचर तक यहाँ पे आपको टेम्परेचर इस्तेमाल करना है। और ये आपका इथीन है जो कंबाइन होकर क्या देगा, अच्छे से आपको यहाँ पे HDPE देगा, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है गाइस, और इसमें भी वही पॉलीमराइजेशन होता है जस्ट और कुछ नहीं। और कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिग्लर नाटा कैटलिस्ट, इसका तो आपको याद है, मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स में बताया है जिग्लर नाटा के बारे में। ठीक है, सो आपको इसे अच्छे से समझ के रखना है, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो जान लेते हैं कि ये HDPE का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, मतलब जो HDPE है ये HDPE की प्रॉपर्टियां क्या क्या है। तो यहाँ पे जो गाइस मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट ये 144 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है,
स्टिफर बहुत ज्यादा होता है देन एलडीपी, मतलब स्टिफर मतलब ज्यादा हार्ड, आपने देखा भी होगा ट्रक वाले, आपने देखा होगा ट्रक के जो व्हीकल्स होते हैं उनको देखा होगा, या फिर डब्बे वगैरह बॉटल जो घर में कचरे फेंकने वाले बॉटल्स होते हैं ये आप व्हीकल्स में जो इस्तेमाल होता है आपने ने देखा ही रहेगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब एलडीपी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, बट जो अपना एलडीपी होता है ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं होता है, मतलब अगर आप कोई भी केमिकल या तेजाब या कोई एसिड वगैरह पॉलीथीन में डालोगे तो पिघल जाती है, बट अगर आप यही इसमें डालोगे तो ये नहीं पिघलेगा, ऐसा होता है अपना एचडीपी, ठीक है। तो यूजेस ऑफ एचडीपी क्या है, डस्टबिन है, बॉटल्स है, पाइप्स है, बकेट्स वगैरह भी आपने देखा होगा, ठीक है। आपने आपके घर में देखो वो टप वगैरह देखो कैसे पतीली वगैरह आती है प्लास्टिक की, तो वो सब एचडीपी है, ठीक है, मतलब बहुत ही हार्ड वाली, मतलब जो प्लास्टिक होती है, तो उसे आपको समझ के रखना है, वही आपकी एचडीपी है, हाई डेंसिटी पॉलीमर, मतलब जिसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे तो ज्यादा हार्ड रहेगा ही ना, तो वही वाला पॉलीमर की बात कर रहा था मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन का डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, टेफ्लॉन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलो तो टेफ्लॉन के बारे में जान लेते हैं भाई क्या होता है। तो टेफ्लॉन ये जस्ट एक पॉलीटेट्रा फ्लूरो इथाइलिन होता है, ये नाम याद रख लो, इससे बड़ा नाम तो साइंस वालों को इससे भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आपने उसका भी एक नाम सुना होगा, अभी एक बीच में दवा आई थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, बहुत लोग तो उसे बोल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। सो पॉलीटेट्रा फ्लूरो इथाइलिन, ये भी कोई कम है क्या, ठीक है, तो पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, तो ये जस्ट एक टेफ्लॉन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, ऐसे बहुत सारे पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन जो होता है ये मतलब कंबाइन होकर और बड़ा सा टेफ्लॉन बनाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो टेफ्लॉन है ये जो पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन ये कैसे बनता है, तो ये बनता है टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन से, किससे बनता है ये टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, मतलब टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन क्या होता है मोनोमर होता है, ये क्या है मोनोमर, और ये जो पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन है ये आपका पॉलीमर है, यानी कि जो टेफ्लॉन है, ठीक है। तो जो भाई अपना मोनोमर है टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, वो इसका स्ट्रक्चर ये रहा, और ये गैसियस फॉर्म में होता है इसका प्रॉपर्टी रूम टेम्परेचर में, इस चीज को आपको समझना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलीटेट्रा जो आपके पास टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन है या फिर इथीन है, इसको आप बहुत सारा इसका पॉलीमराइजेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इन द सेंस ऑफ H2O2, तो आपको मिलेगा टेफ्लॉन। ये बॉन्ड का मतलब तो आप समझ ही चुके रहोगे कि इसका मतलब होता है कि और भी बहुत सारे यहाँ पे टेट्रा फ्लोरो इथीन आके ऐड हो सकते हैं, और जो भी बनेगा बड़ा सा स्ट्रक्चर उसे हम कहेंगे टेफ्लॉन। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो बहुत टफ होता है, केमिकली इनर्ट होता है, मतलब केमिकल से कोई रिएक्शन इसका होता नहीं है, मतलब केमिकल कितना भी डालो तो ये स्टेबल है केमिकली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई करोजिव अगर आप रिएजेंट इस्तेमाल करते जो करोजन प्रोड्यूस कर सकते हो तो उससे ये थोड़ा सा मतलब अफेक्टेड हो जाता है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बीच में देखो हमने देखा कि CF2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CF2 ऐसा है इसका स्ट्रक्चर। तो जो यहाँ पे गाइस ध्यान देना जो सी और एफ बॉन्ड है ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होता है ब्रेक करना, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत ही हार्ड बॉन्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड बॉन्ड है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर इसी के वजह से अगर आप किसी करोजिव अल्कली का इस्तेमाल करते हो, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में किसी का अगर करोजिव अल्कली का इस्तेमाल करते हो तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा, आपने टेफ्लॉन को देखा भी होगा कि आपने आपके घर में कुकर वगैरह लगा होता है तो उसमें देखो वो प्लास्टिक का एक सामान रहता है, प्लास्टिक का देखो वो एक सामान रहता है, मतलब जो भी आपके घर में कुकर वगैरह होंगे ना, वो जो खाना बनाने वाला कुकर होता है, कुकर, ठीक है, सो प्रेशर कुकर, यस, तो वो जो बाहर का जो भी रबर होता है जिसकी वजह से आप हाथ में पकड़ते हैं वो आपका टेफ्लॉन है, वो आपका टेफ्लॉन है, उसमें कभी भी हीट और कभी भी रेजिस्टेंस वगैरह जल्दी लगता नहीं है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते गाइस पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल के बारे में जानते हैं। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल ये भी एक टाइप का जस्ट पॉलीमर है और ये अक्राइलोनाइट्राइल से बनता है, बस पॉली लग गया मतलब वो पॉलीमर है, ठीक है। अक्राइलोनाइट्राइल उसका मोनोमर है, खुद नहीं बता दिया, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है अक्राइलोनाइट्राइल का। अब बहुत सारे यूज करना इसीलिए एन लगा दिया, अब इसका भी पॉलीमराइजेशन कर दो पेरोक्साइड की इफेक्ट में और ये सीधा ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। जस्ट मतलब आपको यहाँ पे ये बॉन्ड को देखो कैसे होता है ना, देखो बार बार मैं आपको कितने बार समझाऊं, मैंने बहुत बार समझाया भी है इसके वाली पहले वाली वीडियो में भी। तो मैं इस HCN को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस HCN को साथ में लिख देता हूँ, ठीक है, ये साइड में लिख देता हूँ CN, ठीक है। चलो अभी इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को मैं दोनों को ब्रेक कर सकता हूँ, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके आऊंगा और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके आऊंगा, तो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे CN आएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा एक लाइन खींच दो, एक और ऐसा खींच दो, आपको ये अगर दूसरा आएगा तो यहाँ से अटैच होकर बॉन्ड बना देगा, यहाँ से अटैच होकर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। देखो यही बन गया आपका पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, मतलब ये एन यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे यहाँ पे और भी आके अटैच हो सकते हैं,
ये पूरा एक बॉन्ड है, ये पूरा का पूरा एक बॉन्ड है, इससे और भी सारे लोग आके अटैच हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, देखो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये आपके कपड़े भी ऐसे देखे होंगे बहुत सारे, ऐसा प्लास्टिक आपने देखा होगा, यही होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, एकदम व्हाइट वाला प्लास्टिक का अपने मशीन वगैरह में इस्तेमाल होता है, आपने इसको देखा भी होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉलीएमाइड पॉलीमर। ये पॉलीएमाइड पॉलीमर क्या है, आपने नायलॉन के बारे में जरूर सुना होगा, तो नायलॉन के फॉर्मेशन के लिए ये पॉलीएमाइड पॉलीमर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसके लिए, नायलॉन 6-6 और नायलॉन 6, ये दो टाइप के आपके पॉलीअमाइड पॉलीमर होते हैं, मतलब पॉलीअमाइड से बनते हैं, अमाइड से। अमाइड क्या होता है, यहां पे देखो ध्यान से, CH3 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, NH2, ये हो गया, ये आपका एक पॉलीअमाइड में जो ये वाला ग्रुप होता है, ये ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है ये पॉली है, मतलब ये जस्ट अमाइड का ग्रुप है, ये जस्ट अमाइड का ग्रुप है, देखो ये यहां पे आप देख सकते हो, बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड NH, और आगे ऐसा इसने लगा दिया क्योंकि आगे और कोई भी आके अटैच हो सकता है, मैंने यहाँ पे NH2 डाल दिया, दैट्स इट, वो अमाइड ही है, हमने वैसे भी अमाइन चैप्टर में पढ़ा है उसके बारे में, वो अमाइड ही है, बट यहाँ पे पॉलीमर बनाना है, इसके लिए उसे एक हाइड्रोजन को गायब करके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ला दिया है, ठीक है। तो ये आपका होता है पॉलीअमाइड, ठीक है, मतलब ये अमाइड होता है जिससे कि हम जब इसे बहुत बार कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा पॉलीअमाइड, और इसी से हमें बनता है नायलॉन। नायलॉन तो बात आपके पास, नायलॉन के बारे में तो आप जानते ही रहोगे, तो नायलॉन 6-6 और नायलॉन 6, ये दोनों चीजें गाइस, नायलॉन 6-6 का प्रिपरेशन आप ऑलरेडी जान चुके हो, अगर आपने पहला वाला पूरा पार्ट देखा तो आप जानते हो, बस आपको मैंने वहां पे बताया नहीं था कि यही रिएक्शन नायलॉन 6-6 का है, ठीक है, जो कि मैं वही सेम रिएक्शन अभी बताने वाला हूं। इसके लिए देखो यहाँ पे नायलॉन जो 6-6 है उसका रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। नायलॉन 6-6 का रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, वही सेम एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ये दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, एडिपिक एसिड का और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का, ठीक है। चलो तो अब ये रिएक्शन कैसे होता है मुझे बगल में करके दिखाना पड़ेगा, चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं, वो कितने बार यहाँ पे एन टाइम्स यूज किया उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो तो HO बॉन्ड C डबल बॉन्डो, बॉन्ड यहाँ पे CH2 चार बार इस्तेमाल करना है, और बॉन्ड C डबल बॉन्डो बॉन्ड OH, ये ऐसा है आपका, प्लस यहाँ पे कैसा आ जाएगा ध्यान देना अच्छे से, H2N बॉन्ड CH2 6 टाइम्स यहाँ पे इस्तेमाल किया है, बॉन्ड NH2 आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। चलो आगे अब क्या होने वाला है ये आपको समझ के रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे देखना है जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, पूरा का पूरा अगर आपको डाउट क्लियर करना है तो अच्छे से थोड़ी बहुत यहाँ पे चीजें समझनी ही पड़ेंगी, ओके। चलो देखो हुआ क्या है, जो शिफ्टिंग हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, शिफ्टिंग हुई है, हमने हाइड्रोजन को ब्रेक करके कहीं से कहीं और जगह में पहुंचाया है, ठीक है, यही बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखो गाइस ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन को हमने ब्रेक किया, हाइड्रोजन प्लस होता है और ये ओ माइनस होता है, तो ये यहाँ पे ओ माइनस बन जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन ब्रेक करके इस एनएच के पास लाएंगे हम, किसके पास लाएंगे, इस NH2 के पास, किसके पास लाएंगे, इस NH2 के पास, ये क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो, इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो, सिमिलर स्ट्रक्चर है, मैं अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है, जस्ट आपको सेम स्ट्रक्चर है, कोई इसमें डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। इस हाइड्रोजन को मैं यहां पे लाके अटैच करूंगा, ये बन जाएगा NH3, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, ये जो आपके पास H है और ये H2 है, इस H को और H2 को जब मैं कंबाइन करूंगा ये बन जाएगा OH3, और ये N तो प्लस बनने ही वाला है क्योंकि N की जो यहाँ पे अभी अमोनियम बन जाएगा, ये अमोनियम, ठीक है, मतलब ज्यादा इसके पास बॉन्डिंग आ जाएगी, तो ये H और ये H कंबाइन होकर यहाँ पे बन जाएंगे OH3 और ये N प्लस, मतलब ये H को हमने यहां पठाया, यहां भेज दिया, और ये H और ये H2 को यहाँ पे कंबाइन करके हमने यहाँ पे H3 बना दिया, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर, वही OOC बॉन्ड CH2 4, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH3, N तो बन ही गया, यहाँ पे आ जाएगा CH2 6 टाइम्स और NH3 बन गया, दैट्स इट, ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। समझा कि नहीं, ये कैसे आया, जस्ट हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड, इन दोनों का आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कहीं से भी सीख लो, ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, बिना फॉर्मूला याद करे आपको आएगा ही नहीं, ठीक है। सो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन को जब आप इस्तेमाल करते हो, दोनों को ऐड करते हो, तब जाके नायलॉन 6-6 बनता है, उससे पहले आपका ये प्रोसेस बनेगा, उसके बाद जाके आपका यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। चलो तो हमें अभी हमको क्या देखना है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल देखना है, क्या देखना है, वाटर मॉलिक्यूल का हमें रिमूवल देखना है, रिमूवल, ठीक है। चलो तो अभी हम इस वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल की बात समझते हैं और अच्छे सारी चीजों को हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है, कैसे मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये हमें अच्छे से सीखना है, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे क्या है, H3 है और यहाँ पे क्या है, H3 है, दोनों जगह H3 आपके सामने देख के रखा है, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, इस H3 में से, ध्यान देना अच्छे से, इस H3 में से दो हाइड्रोजन हमने गायब किया और इस ऑक्सीजन को हमने गायब किया, इस ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा, H2O, इट्स फाइन। नाउ इस H3 में से हमने एक और हाइड्रोजन गायब किया
और ये ऑक्सीजन को हमने गायब किया, यहां से भी क्या बन गया H2O बन गया, यानी कि इस कंडीशन में से दो हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बचेगा, ओनली N बॉन्ड H बचेगा और आगे एक सिंगल बॉन्ड खाली रखना, ठीक है। वैसे ही यहां पर क्या करना है, और देखो ये ऑक्सीजन तो चला ही गया तो यहां पर भी एक आप खाली रखोगे और बाकी का देखो ये सारा चीजें सेम सेम है, सारी चीजें सेम सेम है। आगे बढ़ते यहां पर जो हमने H3 में से एक दो हाइड्रोजन निकाला था और ये ऑक्सीजन, इन दोनों को हमने H2O भगा दिया तो यहां से O गायब हो गया, ओनली क्या बचेगा NH बचेगा, क्योंकि दो तीन हाइड्रोजन थे दो चले गए तो NH बचेगा। यहां पे देखो C डबल बॉन्ड इधर पे, C डबल बॉन्ड यहां पे और ये NH और फिर आगे ये सेम सेम चीजें, ठीक है। तो ये बन गया आपका नायलॉन 6,6। इतना आसान तरीके से गाइस मैंने बताया है, आपको अच्छे से समझ के रखना है, मतलब ये जस्ट H3 और ये यहां से डबल बॉन्ड गायब, यहां से ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन गायब, पूरा रिएक्शन खत्म यहीं पे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल गायब कर दिया बस। ये इस तरीके का रिएक्शन हो इसके लिए हमने 553 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर हमने इस्तेमाल किया है। ये हो गया आपका गाइस नायलॉन 6,6, ठीक है। ये जो नायलॉन 6,6 है ये इसमें से जो आपका मतलब नेम है, ये जो पॉलीमर का नेम है, ये मतलब क्या है, मतलब इसमें क्या है कि आप ध्यान दो, बाय फंक्शनल मोनोमर है इसमें, ठीक है। पहला है एडिपिक एसिड और दूसरा है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड, ये दो चीजें यहां पर इस्तेमाल की गई है, ठीक है। इसके वजह से यहां पर दो नाम आया, 6 और 6, ऐसा दो बार नाम आया है, ठीक है, जिसके अंदर हेक्सा एडिपिक मतलब सभी में 6-6 कार्बन वाले दो चीजें, एक तो हेक्सामिथाइलिन और एक एडिपिक, देखो दोनों में 6-6 कार्बन, आप गिन लो चाहे यार, आप गिन लो, भरोसा नहीं तो आप गिन लो, ठीक है। तो हेक्सामिथाइलिन डायमंड में भी 6 कार्बन और इसमें भी 6 कार्बन, तो ये है। तो बाकी पूरा नायलॉन का स्ट्रक्चर, जो आप नायलॉन के कपड़े पहनते हो उसमें भी इसी स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल होता है, अब बहुत सारे होते हैं इसीलिए बहुत बड़ा नायलॉन बनता है, ठीक है। तो ये तो है तो नायलॉन, उसमें से 6,6 क्या दिखाता है कि हमने जो भी मोनोमर इस्तेमाल किया है, एडिपिक और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, इन दोनों में 6-6 कार्बन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं इसके लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं नायलॉन 6। नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें हम लोगों ने डैक्रॉन आपने सुना भी होगा, उस डैक्रॉन का प्रिपरेशन हमने सीखा था फिलहाल अभी, या फिर आपने देखा होगा एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का भी आपने देखा होगा, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को मैंने सीधा आपको बताया भी था, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का, ठीक है। अच्छे से आप जाओ इसकी पहले वाली वीडियो देखोगे ना तो आपको एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम के बारे में समझ जाएगा, फिर भी गाइस मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे आपको देखो ये स्ट्रक्चर होता है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का, वहां पे तो हमने रिंग में भी बनाया था, ठीक है। ये होता है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर, अभी चलो इसको देख लेते हैं। तो सी और यहाँ पे क्या जाएगा आपको ध्यान देना है, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ब्रेक करना है, ठीक है। अभी इस बॉन्ड को मत दिखाओ, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे आएगा वो बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये सी बन गया, अभी ये सी एस टू को लिखो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो बॉन्ड कर दो, कितने सी एस टू है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो मैं सी एच टू 5 बार ऐसे लिख सकता हूँ, यस माई डियर। देन अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन और एच आ जाएगा, ठीक है, एन एच। अब देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, इस बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, समझा। ये यहाँ से ऐसा बॉन्ड बनेगा, यहाँ से ऐसा बॉन्ड बनेगा, अब ये एन टाइम रहेगा इसलिए यहाँ पे एन लगा दिया, दैट्स इट, खत्म। ये बन गया आपका नायलॉन 6, इसमें 6 कार्बन ही इस्तेमाल हुआ है, आप गिन के देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, इसके लिए इसमें हम लोगों ने नायलॉन 6 इस्तेमाल किया है। अगर दो बार एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम होता तो नायलॉन 6,6 आ जाता, फिलहाल आपका बनता जो भी बनता, बट यहाँ पे नायलॉन 6 है और इसमें 6 डिनोट करता है कि आपके पास जो भी आपका मोनोमर है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ये एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम ये आपका क्या है, मोनोमर है नायलॉन 6 का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर 6 कार्बन वाला आपके पास मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे फाइबर्स वगैरह इस्तेमाल करने में, बनाने में नायलॉन 6 का इस्तेमाल होता है। तो गाइस मैंने एकदम अच्छे तरीके से आपको दोनों का मतलब बता दिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर का भी एग्जांपल हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा है ऑलरेडी, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक एसिड ये हमने प्रिपेयर किया था, डैक्रॉन भी जिसे आप कहते हो, डैक्रॉन, ठीक है, मतलब जो पॉलिस्टर होता है उसे आप डैक्रॉन भी कहते हो, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से यहाँ पे। अभी क्या होता है यहाँ पे देखो अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, हमने इसके पहले किया भी है। यहां से क्या किया, एच को और यहां से OH को, मतलब पानी को यहां से बाहर निकाल दिया, और जैसे ही आप यहाँ पे वाटर को गायब करोगे, जैसे ही जिस तरीके से ये एक वाटर निकल गया और एक तरीके से यहाँ पे, यहां से एच और ये OH, इन दोनों से आपको गायब करना है इस तरीके से, ठीक है। आप जब इस तरीके से गायब करोगे ना तो आपका पूरा रिएक्शन हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आपका ये सारी चीजें गायब होंगी, मतलब ये अगर थोड़ा अपने तरीके से लिखूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। देखो यहां पे हो गया ये आपका OH, ये हो गया आपका OH, और आगे दिखाता हूं यहाँ पे आपका इस तरीके से आप बेंजीन रिंग फॉर्म कर सकते हो, थोड़ा सा रिएक्शन भी फिर आपका डिफरेंट टाइप का दिखेगा, बट इट्स फाइन। यहाँ पे OH हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, ऐसे यहां पर भी आप एडिपिक एसिड बना सकते हो और ये हो जाएगा आपका OH।
चलो अब यहां से आप गायब कर सकते हो, ये देखो यहां से ये OH गायब हो गया और ये देखो यहां से आपका एक ये मतलब H2O गायब हो गया। जब ये H2O गायब हो जाएंगे तो जो भी रिएक्शन मिलेगा आपका यही रिएक्शन मिलेगा, देखो आप करके देख लो यही मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा जिससे कि आपको पता चल जाए ना गायब हुआ है, ये टेरिप्थेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों से मैंने पानी बाहर निकाला है इन दी हेल्प विद दी हेल्प ऑफ दिस टेम्परेचर 420 टू 460 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। सो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे गायब किया है तो आपको यहाँ पे वही चीज मिलेगी जो यहाँ पे रिएक्शन क्रिएट हुआ है। दैट्स इट, खत्म कहानी, ये हो गया आपका टेरिलिन और डैक्रॉन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि आप चाहो, मेरी बातों को ध्यान देना अच्छे से, आप चाहो तो कैसा भी रिएक्शन कर सकते हो। मतलब देखो यहाँ पे और यहाँ पे किसी आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ओ आया यहाँ पे कुछ नहीं, आपको ऐसा लगना चाहिए, आपको ये डाउट आना चाहिए था, ठीक है, जिसे आया होगा वेल डन। अब देखो यहाँ पे एच ओ है, यहाँ पे एच है, गाइस ध्यान समझना, फोकस देना, यहां से ओनली एच गया है और यहां से पूरा OH गया है, ये ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से पूरा OH गायब हुआ है, यहां से क्या गया है आपका ओ, मतलब पूरा का पूरा जो भी आपका है OH, ठीक है, ऐसा आपका गायब हो गया। दैट्स इट, तो यहां से ओनली एच गया है, मैं अच्छे से आपको बना के दिखाता हूँ, पूरा हाईलाइटेड हो चुका है, देखो अब यहां से मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखता हूँ, यहां से ओनली ओनली एच गया है और यहां से आपका पूरा OH गायब हुआ है, अब तब जाके ये पूरा वाटर बनाया है, देखो यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे O, then CH2, then CH2, फिर यहाँ पे O, फिर उसके बाद देखो ये आ गया पूरा पानी बीच में गायब हो गया और ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये आपका बेंजीन और ये C डबल बॉन्ड O और ये एन टाइम्स ऐसा रहेगा, ठीक है, यही होता है आपका टेरिलिन, ठीक है, यही होता है आपका क्या टेरिलिन होता है, टेरिलिन, ठीक है, आप जिसे डेक्रॉन भी कहते हो, दैट्स इट, यही होता है पॉलिस्टर का एग्जांपल और इसमें कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, यही तो एकदम सिंपल सी बात है, इसमें और क्या करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, बूना एस रबर और यहाँ पे बूना एन रबर होता क्या है, मतलब नियोप्रिन और बूना एस के बारे में जानते हैं आप, तो अब यहाँ पे डायग्राम देख के समझ गया रहेगा आपको, ये सूझ समझ के समझ गया, बहुत चिंदी चैप्टर है, बहुत चिंदी, मैं बोल रहा हूँ ना डेली लाइफ के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि अगर आप सपोज आपके पास बैंड है, देखो ना वो कैसा हाथ में पहनने वाला बैंड होता है, ठीक है, तो वो बैंड जो होता है ना, तो बैंड मतलब जो भी रहता है, तो उस बैंड कौन सा चीज से बनता है, वो बूना एस से बनता है। फिलहाल आप टायर तो पहनते ही नहीं रहोगे, शूज जो पहनते हो वो वाला रबर, ठीक है, आप जो चार्जर इस्तेमाल करते हो वो वाला रबर नियोप्रीन होता है, तो ये बस नाम है, आपको इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ने वाली है, आप जीके का नॉलेज पढ़ रहे हैं, मुझे तो लग नहीं रहा कि आप ये साइंस पढ़ रहे हो, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। आप दुकान में जाते भी रहोगे कि भाई भाई SBR वाला रबर दे दो, SBR जो टायर वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये वाला रबर। फिलहाल SBR का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये होता है आपका, सोचो जरा, मतलब जिसमें कि आप ना मतलब एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा कोपॉलीमर जिसमें 75 पार्ट आप यूज करते हैं ब्यूटाडाइन का और 25 पार्ट यूज करते हो स्टायरीन का, स्टायरीन और ब्यूटाडाइन दोनों अलग अलग कंपाउंड होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से जो रबर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोसेस जो होता है ना, ये एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन के वजह से ही होता है, एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन के वजह से ही होता है, मतलब जिसमें हम वल्कनाइज करते हैं रबर को, बार बार मॉडिफाई करते हैं, इंप्रूव करते हैं उसकी क्वालिटी को, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो इसे आप नेचुरल रबर भी आप इनफैक्ट कह सकते हो, मतलब ये बूनाइस जो होता है सुपीरियर नेचुरल रबर भी माना जाता है, ठीक है, जो मैकेनिकल मतलब मशीन वगैरह में ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसमें। सिमिलरली गाइस अगर मैं बात करूं नियोप्रिन की, तो नियोप्रिन क्या होता है, नियोप्रिन जस्ट आपका एक सिंथेटिक रबर जिसे कि आप खुद बनाते हो, तो एग्जाम में पूछा जाएगा बूना एस और बूना यहाँ पे जो नियोप्रिन है, नियोप्रिन सिंथेटिक रबर जो साइंटिस्ट लोग या फिर केमिकली या कमर्शियली क्रिएट होता है, बूना एस नेचर में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो आपका मतलब मोनोमर क्या है, वो 2-chloro-1-3-butadiene जिसे आप क्लोरोप्रिन भी कह सकते हो, नियोप्रिन मीन्स क्लोरोप्रीन आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, वही आपका स्ट्रक्चर है। इसमें भी हम वल्कनाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये इंसुलेटर की आपने केबल देखी होगी, पावर ट्रांसमीटर वाला जो बेल्ट होता है वो जैकेट्स में इस्तेमाल होता है, जो जैकेट बनते हैं, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स और लाइट में एज वेल एज इन सब में रेजिस्टेंट होता है, तो ये आपने देखा होगा केबल्स वगैरह जो वायर चार्जर वगैरह की, तो ये सब नियोप्रिन से बनती है, नियोप्रिन नाम के केमिकल कंपाउंड से, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड गाइज यहाँ पे एट द एंड आपसे बात करूंगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में, इसके पहले हमने इसके बारे में दो बार डिस्कस किया है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल इसके पहले के चैप्टर में मैंने शॉर्ट में इसको खत्म किया था, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में और अच्छे से बता देता हूं। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि जो इजिली अर्थ में मिट्टी में सॉइल में डिग्रेड हो जाए, नेचर में जो मतलब कंपोस्ट बन जाए, डिग्रेड हो जाए, इजिली खत्म हो जाए कुछ सालों में ही, उसे बायोडिग्रेडेबल आप पॉलीमर कह सकते हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो पॉलीमर होता है जो जल्दी डिग्रेड नहीं होता है और जो बहुत सालों हजारों सालों तक हमेशा के लिए पड़ा रहता है, जैसे कि प्लास्टिक को आप यहाँ फिर आज
आज दफना दो मिट्टी में और हजार साल बाद भी आके देखोगे तो पॉलीथीन वैसे का वैसे ही पाओगे, वो कभी डिग्रेड नहीं होगा। बट वहीं पे राइस वगैरह है, चावल है, गेहूं है, जो भी आपके घर में है, राइस वगैरह, वीट, सब कुछ, उसको आप दफना दो तो वो हजार साल बाद तो बचेगा नहीं, 10 दिन में गायब हो जाएगा, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, आपका जो मतलब मलाई वाला मटेरियल है जो आप खाने के बाद निकालने जाते हो, तो वो मटेरियल उसका क्या, वो तो गायब होता है कि नहीं होता है? आप जाके गांव वगैरह में जाओ, कभी आप बाहर अगर कहीं भी जाओगे बाथरूम वगैरह सपोज, फिर 10 से 20 दिन बाद जाके देखने जाना कि जहां पे आपने किया था क्या वहां पे वो पड़ा है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा यार आपको। ओह माय गॉड, ओके चलेगा, तो ऐसा चेक मत करना यार, नहीं तो पता चला छी यार क्या है, मतलब तुम लोग कुछ भी ऐसा करोगे तुम लोग। तो बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो डिग्रेड हो जाता हो, ठीक है, ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर भी है जो डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब बायो में, मतलब कि नेचर में डिग्रेड हो जाते हैं, अपने आपको डिग्रेड कर लेते हैं। और कुछ ऐसे जो अपने आपको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पॉलीमाइड वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, ठीक है, तो डिग्रेड नहीं कर पाते, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल से बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल के, नॉन डिग्रेडेबल के, PHBV इसमें से एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, PHBV, ठीक है। PHBV किसका किसका को पॉलीमर है, तो ये पहला है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइक एसिड, ठीक है, जिसे आप बीटा हाइड्रोक्सी या थ्री बीटा, मतलब थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक भी कह सकते हो, और दूसरा है आपका बीटा हाइड्रोक्सी वेलरिक एसिड, मतलब कि जस्ट सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो आपका PHBV है वो किससे बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरिक एसिड से और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड से, ठीक है। इन दोनों एसिड के नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, एन से डरने का नहीं, हुआ एन मतलब जानते हो ना क्या होता है, वो एन टाइम्स आपको यूज किया है बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, मतलब पहला हो गया हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, दूसरा हो गया हाइड्रोक्सी वेलरिक एसिड, ठीक है। इन दोनों का कंबाइन करोगे तो जाके आपको यहाँ पे PHBV मिलेगा, ठीक है, ये आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एनवायरमेंट में डिग्रेड हो जाता है, मतलब माइक्रोब्स की हेल्प से डिग्रेड हो जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, माइक्रोब्स इसे आराम से खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, देखो जो आपको देखो टांके लगते हैं, आपको कोई घाव वगैरह लग गया तो टांके लगते हैं, देखो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, सिल देते हैं चमड़ी को, स्किन को सिल देते हैं, तो सिलते हैं और उसको फिर निकालते नहीं है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि वो मतलब रेशम के धागे इस्तेमाल किया करते थे और फिर डॉक्टर के पास उन टांकों को निकलवाने जाना पड़ता था, बहुत पेन हुआ करता था। अब क्या हो गया, कहीं भी लगा ना तो वो टांके को वो लगा देते हैं और फिर कभी निकालना नहीं पड़ता है, वो उसी में आपकी चमड़ी में आपकी स्किन में ही डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, ऐसे टांके आते हैं। तो वो सब बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हैं, मतलब कि, और इससे हो भी सकता है ऐसा कि आपको प्रॉब्लम हो जाए स्किन में, बट डिग्रेड तो हो जाते हैं। ऐसे आपके अगर स्टोमक का अंदर किसी बॉडी पार्ट्स में या हार्ट्स का आपका यहाँ पे कोई भी चीज का अगर मान लो सपोज ऑपरेशन हुआ, और अगर मान लो आपके हार्ट का ऑपरेशन हुआ सपोज दैट, और हार्ट का ऑपरेशन और वहां पे अगर रेशम के धागों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर से निकलवाना तो पड़ेगा ना जुड़ने के बाद, तब तो फिर आप लग गई बात आपकी, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर जितने बार जाओगे उतने बार कटवा के निकलवाओगे और फिर जुड़वाओगे, तब तो इंसान तो चला गया काम से, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए वहां पे क्या यूज करते हैं, बायोडिग्रेडेबल टांकों का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल है, उसमें से एक PHBV भी है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही रिएक्शन हुआ है, यहाँ से आपको आपका निकालना है OH और यहाँ से ओनली H निकाल दो, बाकी सारी चीजें आपका सेम वैसी की वैसी आ जाएंगी, और यहाँ से भी आपको एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना इस तरीके से, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ से H और यहाँ से OH, बस गायब कर दो और बाकी का आपका यहाँ पे PHBV मिल जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। इस CO को इस OCH से आप अटैच कर दो, इस CO को इस OC से हमने अटैच कर दिया है, और यहाँ पे ये O बच गया, इधर वाला O जो बचा है, और ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड यहाँ पे बच गया, दैट्स इट, और N टाइम्स आपने इस्तेमाल किया, यही है आपका PHBV, इतना आसान सा, ठीक है। दूसरा बायोडिग्रेडेबल है नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये आपका एक जस्ट एक मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मतलब कि जो बायो में एनवायरमेंट में नेचर में डिग्रेड हो जाता हो। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये एक पॉलीअमाइड कॉपी पॉलीमर होता है, मतलब कि दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर नायलॉन 2 नायलॉन 6 बनाते हैं, इतना सा आपको याद रखना है। एग्जांपल के लिए ग्लाइसिन है, फिर ऐसी अल्फा मतलब एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, इनके इस्तेमाल से जस्ट आपको इतना इन्फॉर्मेशन ही है, आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे याद रखना है कि ये पॉलीअमाइड से बनता है नायलॉन 2 नायलॉन 6, दैट्स इट और कुछ नहीं, ठीक है गाइस। एक आपके सामने आपकी बुक में एक चार्ट देके रखा है गाइस, चार्ट जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर भी आप कह सकते हो, यहाँ पे क्या दिया है कि देखो ट्रेड नेम जो कि कंपनी इस्तेमाल करती है, आप खरीदने जाओगे तो यही मांगोगे तो ही मिलेगा वो, और उसके मोनोमर मतलब वो कैसे बनता है, कौन सी चीजों को कंबाइन करने के बाद कौन सा रिपीटिंग, कैसा ऐसा कौन सा रिपीटिंग यूनिट है जिसका बार बार रिपीट करो तो आपको क्रिएट हो जाए, और यहाँ पे उसका पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, इस टेबल को भूल के मत जाना कभी भी, ठीक है। जैसे कि अक्राइलिक ग्लास हो गया, तो इसका यहाँ पे जाके दुकान में मांगोगे आपको मिल जाएगा अक्राइलिक ग्लास, इसका मोनोमर क्या होता है मिथाइल मिथाक्राइलेट, इसका इस तरीके से ME मतलब मिथाइल, और ये इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर है।
कहाँ यूज होता है? लेंसेस में, पेंट में, सिक्योरिटी बैरियर, एलसीडी, शटर, इन सब में यूज होता है। ऐसे बूना एन, बूना एन किससे बनता है? ब्यूटाडाइन या फिर एक्राइलोनाइट्राइल से बनता है। इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। अब इसी चीज को बार बार आप रिपीट करोगे तो आपका पूरा बड़ा सा ब्यूना एन बन जाएगा। कहाँ यूज होता है? रबर में, बेल्ट में, शू सोल्स में, ठीक है, इन सब इस्तेमाल होता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड सबसे कॉमन आपके घर में भी यूज होता है। विनाइल क्लोराइड आप इसका मोनोमर कह सकते हो, और इसका पॉलीमर क्या है? इस तरीके से बनता है, मतलब पॉलीमर स्ट्रक्चर। कहां लेते हैं? वाटर पाइप्स में, रेन कोट्स में, फ्लोरिंग में। समझ रहे हो ना, ये तरीका यहां पे समझ के रखो। सिमिलरली ऐसी पॉली अक्राइलोमाइड, अक्राइलोमाइड इसका मोनोमर है और इसका पॉलीमर ये होता है, मतलब ये यही है पॉलीमर। ये बहुत सारा स्ट्रक्चर, अगर आप जब पॉलीअक्राइलोअमाइड को देखोगे तो आपको उसके अंदर यही मिलेगा बार बार, ठीक है। यानी कि वो किससे बना है? अक्राइलोमाइड से बना है। कहां यूज होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेसेस में यूज होता है। ऐसे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे बहुत सारे आप सब पढ़ लोगे, मैं बार बार रीड क्यों करूं जस्ट, ठीक है। तो आपको इनका एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी के एप्लीकेशन बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सबको आपको अच्छे से याद करके जाना है गाइस, ठीक है। तो यहां से गाइस आपको कंप्लीट हो चुका है पॉलीमर चैप्टर, और इसके बाद वाला जो लास्ट चैप्टर है वो तो आप आराम से पढ़ भी लोगे तो भी समझ जाएगा। बहुत ही चिंदी चैप्टर है वो, डेली लाइफ वाला, ह्यूमन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो आपका सबसे आसान चैप्टर है, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं उस चैप्टर में, ठीक है। सो वो चैप्टर आप पढ़ो या मत पढ़ो, मतलब फिलहाल 3 मार्क्स का उसका वेटेज है तो पढ़ लेना, और ये चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स का तो इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेस्ट पार्ट्स दिखाई। अच्छे से आप एक बार देखोगे तो खुद ही आपको समझेगा। इसकी नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, या फिर कहीं पर भी आप मुझसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट होता है आज से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी आज से कंप्लीट हो रही है। सो प्लीज जाओ और सारे वीडियोस को देखो, एंजॉय करो, फ्री ऑफ कॉस्ट सब अवेलेबल है। किसके लिए? सब तुम्हारे लिए, तो अवेलेबल है गाइस, एंजॉय इट, ओके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।